Hey, what's up? So welcome back to my channel. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीजे मृणाल की। अब जिन लोगों को नहीं पता कि डीजे मृणाल कौन है, तो यार तुम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। क्या बात करता है यार? बेसिकली डीजे मृणाल यूट्यूब की दुनिया का ऑलराउंडर है। अब जरा इसकी इंस्टा आईडी देख लो, डीजे मृणाल बॉर्न टू बी रैपर, इंटरनेशनल रैपर। तो आइए देखते हैं इसके इंटरनेशनल रैप। आजा संडास दिखा तो। मवाली मवाली कवाली कवाली वो देखती मादरू जब पे पहने साड़ी, मेरे मुंह में गुटका वो पकड़े सिक्का, मेरे मुंह में है गुटका वो पकड़े सिक्का। अब ये वीडियो बंदे ने 2 साल पहले अपलोड की और शायद गलती से डिवाइन ने ये वाली वीडियो देख ली। अब अपने इतने अच्छे गाने के साथ ऐसा हशर होते हुए देख कर डिवाइन सदमे में है। और इसी सदमे में डिवाइन ने 2 साल से एक गाना भी ड्रॉप नहीं किया। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि कोई तकलीफ नहीं होती। ये रैप वैप तक तो बात ठीक थी, लेकिन बंदे ने बॉलीवुड सॉन्ग्स को भी नहीं छोड़ा। Oh no! चार बोतल गुटका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका, पता नहीं मुझको ये समझ नहीं आता मेरे साथ कभी कोई क्लब नहीं आता। क्या बोला तूने? तेरे साथ कोई क्लब नहीं आता? तेरी हरकतों की वजह से तेरे साथ कोई मूतने ना जाए, क्लब तो बहुत दूर की बात। गाइस आप लोग यो कह रहे थे कि डीजे मृणाल सर आपके क्या खाते हो ऐसे, यो कि आपका गला इतना सुरीला है, यो तो मैं बता दूं कि मैं कुछ नहीं खाता, मैं कुछ कोई एक्सरसाइज नहीं करता, ये भगवान का दिया गया बिमोल का आशीर्वाद है। अद्भुत अद्भुत कुछ भी, वाह मोदी जी वाह, ये भगवान का दिया गया बिमोल का आशीर्वाद है। बोलो सुबह केसरी। बात तो सही लगी मुझे, ऐसी सुरीली हवा विमल खाने वालों की हो सकती है। अब यार बॉलीवुड सॉन्ग्स को बर्बाद करने के बाद भी इसकी फैंटेसी पूरी नहीं हुई, तो भाई ने सोचा क्यों ना यूट्यूब की नई कैटेगरी में हाथ डाला जाए। और फिर क्या था, इसने कुकिंग वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। आप लोगों ने शायद जिंदगी में बहुत सारे हलवा खाए होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसा हलवा बनाने जा रहा हूँ आप लोगों ने शायद ऐसा हलवा कभी नहीं खाए होंगे। विमल का हलवा बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? आर यू सीरियस? विमल का हलवा? प्रथम चाहिए बिमोल, शिकोर, आप कमला पसंद को भी ले सकती हो। देखिए आपका बिमोल का हलवा कितना टेस्टी लग रहा है। कहाँ बवासीर बना दिए? आज इस बंदे को देखने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि गालियां इन्वेंट क्यों हुई थी। ऐसे ही लोगों की हरकतों की वजह से जादू के बाद कोई और एलियन इस धरती पे नहीं आ रहा। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। तो यार आप लोगों को लग रहा होगा इसकी हरकतें खत्म हो गई, लेकिन इतना ही नहीं, इस बंदे ने DIY वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो गाइस आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लाइट ऑन ऑफ कैसे करते हैं। तो पहली बात ये कि ये जो स्विच हुआ है ना, इसको ऊपर की तरफ दबाओ तो लाइट ऑफ हो जाता है, और अगर आप नीचे की तरफ दबाओगे तो लाइट ऑन हो जाए। ओरे बाबा, थैंक यू ज्ञानी बाबा हमको ये चीजें सिखाने के लिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बटन ऑन ऑफ करने तक तो ठीक था, लेकिन ये क्या? आज मैं बताऊंगा आपको पाद मारने का तरीका। पाद मारने से बहुत ही अच्छेदार खुशबू निकलता है। ये धरती अब इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं बची। नहीं मतलब अब वो दिन भी दूर नहीं है कि ये बंदा टट्टी कैसे करते हैं उस पर वीडियो बनाएगा। तो गाइस अभी हम दिखाएंगे कैसे आपको बैठना चाहिए, पूरा ऐसा बैठना चाहिए और ऐसा पूरा इसको ऐसे बैठना चाहिए ऐसे करके, और आपको एक लगाना होगा खोल के अंदर। अब क्या कर सकते हैं, वैसे भी हर वीडियो में तो ये हगी रहे, अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। तेरी अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से, चुप बिल्कुल चुप। ये वीडियो देखने के बाद पूरी YouTube कम्युनिटी की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। वैसे तो इसके चैनल पर और भी टट्टी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग लिटरली बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा। इसके YouTube चैनल पर हर कैटेगरी हर चीज है सिवाय एक चीज को छोड़कर, वो है शर्म। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही, किसी के लिए नो हेट, और वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।